क्या आपको पता है गाइस, यहाँ पे 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी हुई थी और इस शादी में खर्चा आया था 4.7 करोड़ रुपए और इस पूरे के पूरे उम्मेद भवन को बनाने में 11 मिलियन रुपए खर्च हुए 1943 में। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ उम्मेद पैलेस में, जो कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस है। इस होटल के अंदर करीब करीब 347 रूम्स हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो एक नायाब चीज़ है, उसको राजा उमेद सिंह जी ने बनाया था, जो कि प्रेजेंट ओनर राजा गजय सिंह के ग्रैंड फादर हैं। जो उमेद पैलेस की जो नींव थी वो 18 नवंबर 1929 में रखी गई थी और इसका जो वर्क कम्प्लीट हुआ था 1943 में, पूरा जाकर ये पूरा कंप्लीट हुआ था। ये पूरा सेटअप आप देख सकते हैं और इस होटल का जो 80-90% जो पार्ट है वो ताज होटल्स मैनेज करता है और कुछ पार्ट जो है वो राजा के अंडर में है। हालांकि अभी इनके नाम के अगर राजा नहीं लगाया जाता है, अभी श्री गजय सिंह जी के नाम से बोलते हैं। और ये जो चीज़ है, अंदर एक म्यूजियम भी है, वो भी आपको विजिट करवाएंगे अभी। और देख सकते हैं आप सारी की सारी प्रॉपर्टी कितनी ऑसम है। आपको मैं पूरा का पूरा टूर दूंगा और आप आइए मेरे साथ और आपको पूरा का पूरा टूर देता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना और भाई 150 कमेंट मुझे चाहिए, जल्दी से आओ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से वो अंदर आते हैं तो ये म्यूजियम का मेन गेट है और यहाँ पे जाते ही श्री गजय सिंह जी की जो फोटो है वो आपको दिख जाती है और इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हैं यहाँ के प्रेजेंट ओनर श्री गजय सिंह जी। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और भी कुछ। ये पूरा का पूरा गाइस आप देख सकते हैं म्यूजियम है यहाँ पे। ये सारी की सारी जो एंटिक पेंटिंग्स वगैरह हैं सारी आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और बहुत अच्छा सीन रहता है यहाँ पे। आप अगर आते हैं घूमने जोधपुर से या जोधपुर से कहीं से बाहर से, तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है यहाँ पे। फिर आप थोड़े आगे बढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे भी आप ये सीन देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब एंटिक चीज़ें हैं और यहाँ पे मतलब पढ़ के आप इनकी पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये चीज़ है आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अंदर के रूम्स वगैरह कैसे हैं और ये अंदर का रूम्स देख सकते हैं, ये शेरी खाल वगैरह, ये पूरे अंदर के रूम्स के पिक्चर्स हैं। ये अंदर बाथरूम वगैरह कैसा है जो वो सब आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर अपन आगे की तरफ गाइस बढ़ते हैं तो यहाँ पे उम्मीद भवन का पूरा मॉडल जो है वो आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा लाइव मॉडल यहाँ पड़ा है। एक एक चीज़ आप बारीकी से देख सकते हैं, जो आप अपनी आंखों से बारीकी तरह से नहीं देख, भाई यहाँ पे मॉडल पे आप पूरा देख सकते हैं कि गाइस मॉडल में किस तरह से आपको उम्मीद भवन दिख रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वैसा ही है। ये देखिए गाइस, आप पूरा का पूरा जो मॉडल है वो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कांच के अंदर पड़ा है उम्मीद भवन का मॉडल। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे भी हिस्ट्री पूरी लिख रखी है इनकी। और ऊपर की चीज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ऊपर भी काफ़ी मतलब हाइट पे कलाकारी की हुई, आप देख सकते हैं पूरा गाइज। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, क्योंकि गाइज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जूम करके, तो ऊपर की तरफ की कलाकारी देखिए गाइज, आप इतनी शानदार पेंटिंग कर रखी है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तो ये मेहरानगढ़ का किला दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये वाला जो एरिया है ना वो मेहरानगढ़ किला है। और ये जो युद्ध हुआ था उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे कर रखी है, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे पूरा का पूरा ये छत पे कलाकारी की हुई है, जो उम्मीद भवन का जो रूफ है वहाँ पे ये कलाकारी की रखी है। और फिर अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं गाइस, यहाँ पे इनकी पूरी डिटेल्स वगैरह दे रखी है, आप देख सकते हैं। महाराजा उमेद सिंह जी आधुनिक मारवाड़ के निर्माता, जो उमेद सिंह जी, जो आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उमेद सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी, तो उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। और ये चीज़ जब के कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब का फोटो है गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिल रखी है। और ये जो फोटो है गाइस, ये जवाई बांध का फोटो है, तो ये भी आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और उमेद सिंह जी की अगर मैं फोटो आपको दिखाना चाहूँ तो ये उमेद सिंह जी हैं और ये उनकी वाइफ है, आप देख सकते हैं, जो बाय प्रोफेशन पायलट थे। इनकी पूरी की पूरी जो फैमिली है उनकी फोटो है गाइज, आप देख सकते हैं, रॉयल फैमिली की रॉयल फिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और बिल्कुल आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं गाइज आप लोग। गाइज आप देख सकते हैं, ये भी चीज़ आप मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं गाइज, ये उमेश सिंह जी हैं और साथ में ये आप देख सकते हैं, इनको तो आप पहचानते होंगे, पंडित नेहरू जी, और साथ में इंदिरा गांधी जी भी हैं। और ये सब आप इनके देख सकते हैं गाइज, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और
जो इनकी उमेश सिंह जी पहुँच थी, पहुँच जो थी गाइज वो बहुत ऊँचे लेवल की पहुँच थी, बहुत मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा उस टाइम के सेलिब्रिटी माने जाते थे ये लोग। और ये देख सकते हैं इनकी उमेश सिंह जी की जवानी की फ़ोटो आप देख सकते हैं, जब ये टीनेजर्स थे उनकी कैसी फ़ोटो थी आप बिल्कुल भी देख सकते हैं यहाँ पे गाइज। तो गाइज आप थोड़ा सा आगे अगर आते हैं तो ये रॉयल लैम्प्स अगर आपको दिख जाते हैं जो कि शोकेस में अंदर रखे हुए हैं, और इससे अगर आगे की तरफ जाते हैं आप तो यहाँ पे भी आपको कुछ रॉयल लैम्प्स वगैरह दिखेंगे आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब एंटिक पीस, इनको निकाला नहीं जाता है बाहर और मतलब एकदम सजा के संजो के रखा है, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है ना, तो ये अगर टूट फूट जाती है तो गाइस बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे भाई ये लोग फोटोशूट कर रहे हैं अंदर, आप देख सकते हैं गाइस सारे की सारी मेरी टीम है फोटोशूट पर लगी हुई है, रीले बना रहे हैं सब यहाँ पे। तो गाइस आगे की तरफ से अंदर आते हैं, ये पतली सी जो गली है इसकी, इसको क्रॉस करते हुए अपन को आगे जाना होता है, इसी को क्रॉस करते हुए आगे जाना होता है आप देख सकते हैं। जहाँ से मैंने आपको ये उमेश भवन का मैंने मॉडल दिखाया था उसके अगले तरफ ये गली है, तो इधर से अपन को आगे क्रॉस होना होता है। तो गाइज ये मैंने जैसा कि आपको बताया था ये उमेश सिंह जी हैं, और उमेश सिंह जी देख सकते हैं कितने हैंडसम थे अपने जवानी के टाइम पर, और इनका जो प्रोफेशन था मैंने आपको बता ही रखा था, पायलट थे। और ये इनकी कुछ पुरानी यादें हैं जब ये एरोप्लेन उड़ाया करते थे, आप देख सकते हैं गाइज जोधपुर में कितनी चीज़ें थी, और ये उनका जो एरोप्लेन था, ग्लाइडर कहते हैं कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे ये बता रखी है फ़ोटोज़ में। और इसका जो बैक मॉडल है आप देख ही सकते हैं, आपको मैं पूरा व्यू दे रहा हूँ शानदार वाला, देख सकते हैं पूरा का पूरा जो उमेश भवन का मॉडल है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फिर गाइज यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा सा पूरा खुला एरिया मिल जाता है, अगर आगे की तरफ म्यूजियम क्रॉस करके जब आते हैं हम तो ये वाला आप सीन देखते हैं। यहाँ पे ऊपर ना होटल के रूम्स हैं सारे के सारे, जो है ना ये आपको दिख रही है सारे के सारे होटल्स के रूम हैं। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे यहाँ पे काम किया था एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने किया था पर वो प्रोफेशन मैं छोड़ चुका हूँ अभी, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो रूम जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे रूम्स हैं यहाँ पे, और 347 रूम्स हैं। मैं जैसा कि आप बता चुका हूँ यहाँ पे टोटल के टोटल 347 रूम्स हैं यहाँ पे। सो गाइज आप मेरे पीछे जो चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे राजा गजेंद्र सिंह जी की सभा होती थी, मतलब यहाँ पे वो बैठ के सभा लेते थे, आपको बिल्कुल क्लोज लुक दे देता हूँ मैं आप। यहाँ पे इनके कलीग्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बैठा करते थे, और इस चीज़ को अभी भी संजो के रखा गया है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। आप गाइज यहाँ से बाहर निकलते हैं अपन और चलते हैं म्यूजियम की तरफ, जो छोटा मोटा पार्ट और भी है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं म्यूजियम की तरफ जा रहा हूँ, और म्यूजियम में जाके आपको सब कुछ बताता हूँ। ये गाइज म्यूजियम का एंट्री गेट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी एंटिक चीज़ें, जो अपना घड़ियाँ हैं, घड़ियों का है पूरा ये मतलब म्यूजियम, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ हैं यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लोज लुक आपको देना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ से, हाँ अब बताऊंगा मैं। ये देख सकते हैं गाइस लाइट हाउस की घड़ियाँ कितनी शानदार, मतलब सब घड़ियों का ही है ये म्यूजियम पूरा, हाँ सिनेमैटिक लूंगा अभी, आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी घड़ियाँ यहाँ पे। यहाँ पे भी पीछे घड़ियों का ही पूरा लग रखा है आप देख सकते हैं, मतलब सारा का सारा घड़ियों का ही है यहाँ पे, जो म्यूजियम छोटा सा बना रखा है वो घड़ियों के लिए बना रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइज आप, बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को मतलब। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा एरोप्लेन पड़ा है, वो उमेश सिंह जी का ही कुछ मॉडल वगैरह हो सकता है। और सारे के सारे यहाँ पे एंटिक घड़िया, ये देखिए आप इंजन के घड़िया है यहाँ पे, इंजन टाइप घड़िया, ये भी आप देख सकते हैं एंटिक घड़ी, ये भी आप देख सकते हैं इंजन के मॉडल को डिपेंड है, ये भी इंजन के मॉडल को डिपेंड है। और ये देख सकते हैं विंटेज कार, इसमें हालांकि घड़ी तो नहीं, ये मॉडल है जस्ट, एक वो एक छोटा इंजन पड़ा है, और यहाँ पे एक लड़ाई का टैंक पड़ा है, एक छोटी सी घड़ी पड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेरे को लग रहा है परफ्यूम की, कुछ परफ्यूम का भी शौक रखते होंगे तो यहाँ पे दो परफ्यूम की शीशी भी पड़ी है। और ये है इनकी खजाने की पेटी, इसको अगर हम खोलते हैं तो गाइज इसके अंदर मुझे बहुत सारे सिक्के भी मिलने वाले हैं आप देख सकते हैं। तो ये है गाइज सारा का सारा, आप देख सकते हैं ऊपर भी आप देख सकते हैं सारी घड़ियाँ ही हैं, मतलब यहाँ पे टोटल घड़ियाँ ही हैं। और आपको मैं डायमंड की घड़ी भी दिखाता हूँ, वापस मुझे बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए।
तो ये देखिए गाइज, ये भी घड़ी और डायमंड की घड़ी जो मैं बताना चाहता हूँ वो है ये है गाइज डायमंड की घड़ी, आप देख सकते हैं टोटल डायमंड है इसके अंदर। सो गाइज आई होप आपको ये सब का चीज़ जो मैंने बताया वो सब आपको पसंद आया, और ये यहाँ पे सारे के सारे थक चुके हैं, बैठ गए हैं यहाँ पे, आज अच्छी खासी ब्लॉगिंग होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जितना मेरी नॉलेज थी गाइज मैंने आपको सब कुछ बताया, जितना मैं बता सकता सब कुछ बताया, हालांकि अभी और कुछ इसमें चीज़ें हैं नहीं। अंदर जो पीछे जो राजा गजय सिंह जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे विजिटर्स की एंट्री नहीं है, वो उनका प्राइवेट एरिया है पूरा, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। जो मेन एरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्लास मटेरियल है वो पूरा ग्लास मटेरियल यहाँ पे एकदम बचा कर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं पुराने जमाने की जो अलमारी है जो राजा उदय सिंह जी अपने घर में यूज करते थे वो सब यहाँ पे मतलब एंटीक करके रखा हुआ है, एंटीक चीजें हैं सारी की सारी। आप देख सकते हैं जिस टेबल पे राजा उदय सिंह जी बैठ के अपना काम करते थे वो टेबल भी यहाँ पे बड़ी है, पैन तगा तक पड़े हैं जो कि बहुत सजा के रखे गए हैं। आप देख सकते हैं वो पेपर स्टॉपर भी वहाँ पड़ा है और यहाँ पे फोटो भी है, और ये भी वो राजा गजय सिंह जी की फोटो है, और ये है इनके ग्रैंडफादर राजा उदय सिंह जी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं, कांच वगैरह, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं एज इट इज, जो पुराने जमाने में था एज इट इज, वो का वो अभी तक संजो के रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आगे की तरफ आते हैं हम तो इनके ब्रशेज जो है वो तक आते यहाँ पड़े हैं, जिस ब्रश से ये काम करते थे, जिस ब्रश से ये सब मतलब काफी चीज मटेरियल जो है सब के सब यहाँ पे संजो के रखे गए हैं गाइस। और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो मैं आपको और चीजें आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो गाइस यहाँ पे इनकी जो क्रॉकरी आइटम्स है सारे के सारे वो क्रॉकरी आइटम्स यहाँ पड़े हैं, यहाँ पे इनके छोटे छोटे ग्लास पड़े हैं, जिस ग्लास में पानी पीते थे वो ग्लास तक का तक पड़ा है, बाउल्स पड़े हैं यहाँ पे, फ्लावर पॉट पड़े हैं यहाँ पे, सब कुछ देख सकते हैं आप। ये आगे इधर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी परफ्यूम्स की जो बोतल है वो सब पड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं। परफ्यूम का मुझे लगता है काफी शौक रहा उनको, तो गाइस परफ्यूम की बोतलें भी यहाँ पे एंटीक करके रखी गई है। तो गाइज अभी मैंने अंदर का पूरा टूर दे दिया आपको, अभी लास्ट एक चीज़ बची हुई है जो कि विंटेज गाड़ियों का जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो सीधा सीधे चलते हैं वहाँ पे विंटेज गाड़ियों के सेक्शन। तो गाइज ये है वो उम्मेद भवन जहाँ पे 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जून की शादी हुई थी, और उस शादी में करीब खर्चा आया था 4.7 करोड़ का, और इस उम्मेद भवन को बनाने में 11 मिलियन का खर्चा आया था 1943 में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियों का शोरूम, जो विंटेज गाड़ियाँ हैं उसका शोरूम दिखाता हूँ, तो आइए देखिए मेरे साथ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है रॉल्स रॉयल्स की फैंटम, जिसका मॉडल वगैरह सब देख सकते हैं 1921 का ईयर मैन्युफैक्चर इसका, और ये इसका मॉडल पीछे की तरफ पूरी खड़ी है, ये पूरी यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी क्योंकि ऐसे खड़ी कर नहीं सकते अपन इसको, तो आगे की तरफ चलते हैं। और ये कौन सी गाड़ी गाइस, ये है रॉल्स रॉयस फैंटम 2, आपके कांच में से इतना ढंग से दिखेगा नहीं बट फिर भी आप कोशिश कीजिए थोड़ी सी देखने के लिए। ईयर मैन्युफैक्चर देख सकते हैं आप 1935 का बना हुआ ये। उसके बाद अगर आगे चलते हैं अपन तो ये वाली जो गाड़ी है वो है पैकार्ड नाम से गाड़ी, 1948 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं कांच में से इतना अच्छा दिखेगा नहीं आपको, फिर भी सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा।
ये वाली गाड़ी देखिए आप, कैडिलैक जोधपुर 1947 इसका मॉडल है। आप देख सकते हैं ये वाली गाड़ी है ओवरलैंड, रेड कलर की है, विंटेज कार। और ये विंटेज कार जो यहाँ पे रॉयल वेडिंग्स वगैरह होती है तभी इनको निकाला जाता है, और सड़कों पे भी आपको तभी दिखेंगी जब रॉयल वेडिंग्स यहाँ पे उम्मीद भवन में होती है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना गाइज, सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट मॉडल जो गाड़ी का बचा है वो है मॉरिस कवर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका ईयर मैन्युफैक्चरिंग 1947, और ये गाड़ी बिल्कुल मैरून कलर में है। तो गाइज यहाँ पे अपना उम्मीद भवन का टूर जो है वो एंड होता है, और सारे का सारा सिनेमैटिक्स वगैरह कैसे लगे बिल्कुल बता देना गाइज। जो मेन एरिया है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आ गया तो गाइज लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में देरी मत करना, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना और फ्यूचर की नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।